झारखंड के कई इलाकों में सूखे का खतरा बढ़ रहा है। मॉनसून की अनदेखी का असर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रुक्का, गेतलसूद डैम और कांकेर डैम पर भी पड़ने लगा है। रुक्का डैम में इस्तेमाल योग्य सिर्फ 1 फीट ही पानी बचा है। इसमें 2 माह तक ही शहर की 10 लाख की आबादी की प्यास बुझ सकती है। डैम के जलस्तर में आई कमी को देखते हुए विभाग ने सिकिदरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट को पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में सिकिदरी से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। फिलहाल रुक्का डैम का जलस्तर 15 फीट तक पहुंच गया है। ऐसे में अधिक से अधिक 1 फीट ही सप्लाई का वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले साल की तुलना में डैम के जलस्तर में 9 फीट की गिरावट दर्ज की गई है। 28 जुलाई 2021 को रुक्का डैम में 24 फीट पानी था। कांकेर डैम का जलस्तर भी 6.5 फीट तक नीचे गिरा है। अभी 16.5 फीट पानी बचा है। 28 जुलाई 2021 को डैम का जलस्तर 23 फीट था। कांकेर डैम में 3 साल पहले इतना नीचे जलस्तर पहुंचा था। हटिया डैम का जलस्तर 30.8 फीट है। इसमें 1 साल तक बिना राशनिंग के जलापूर्ति की जा सकती है। 21 जुलाई 2021 को हटिया डैम में 24 फीट पानी था। पिछले साल की तुलना में 6 फीट पानी अधिक है। शहर के लगभग 40 इलाकों के लिए इस जगह से पानी की सप्लाई होती है, जिसमें बोटी मोड़, कोकर, वर्धमान कंपाउंड, टिप्पा टोली, कांटा टोली, बहु बाजार, डोरंडा, लालपुर, हिंदपीढ़ी, चर्च रोड, मुराबादी, बरियातू रोड, पिस्का मोड़, हरमू रोड, किशोरगंज, मधुकम सहित कई इलाके शामिल हैं। कार्यपालक अभियंता राधेश्याम रवि ने कहा कि रुक्का डैम में 14 फीट तक ही पानी का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में इस्तेमाल योग्य सिर्फ 1 फीट पानी बचा है। इसमें 2 माह तक ही शहर की जलापूर्ति की जा सकती है। इसके बाद पानी का इस्तेमाल संभव नहीं है। जलस्तर में गिरावट को देखते हुए सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट को पत्र लिखकर पानी देना बंद कर दिया गया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।